अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एवरी जो मार्केट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा गवर्नमेंट की जानब से जो सा लान हुआ करतारपुर कॉरिडोर में, उसके बारे में आपको बताऊँगा। आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग और इसका क्या क्राइटेरिया, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, हमारे चैनल एवरी जो मार्केट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाना है आपने गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपने करतारपुर कॉरिडोर डॉट कॉम की वेबसाइट सर्च करनी है। ये उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ऐसे ही आपने लिखना है करतारपुर कॉरिडोर डॉट कॉम डॉट पी के। ये इनकी वेबसाइट ओपन होती है तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी शो कर दिया होगा यहाँ पर। ये ओपन होने के बाद पब्लिकेशन यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। पब्लिकेशंस, ये उनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद ये नीचे एडवर्टाइजमेंट है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको बता देता हूँ कि कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए और कौन नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सबसे पहली पोस्ट है सीईओ की। इसका पे स्केल 20 है और ये एक ही सीट है और इसकी आपकी 50 से 65 साल की उम्र होनी चाहिए इसमें, और आपका एमबीए या एमए की डिग्री किसी भी फील्ड में हो चलेगी, और आपको एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इसमें होनी चाहिए आपकी, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट फील्ड में होना चाहिए। और नेक्स्ट है डिप्टी सेक्रेटरी, इसका पे स्केल 18 है और ये भी एक पोस्ट है, और पाकिस्तान के पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में से आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 से 55 साल की एज होनी चाहिए आपकी, और ये भी इसमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और मास्टर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड, इसका पे स्केल 17 है, ये भी एक पोस्ट है और इसमें भी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं या पुलिस के रिटायर्ड या आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, और 40 से 50 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए इसमें, और इसमें भी आपकी मास्टर की डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए। और ये है आगे असिस्टेंट कैशियर, इसका पे स्केल 16 है, ये भी पंजाब के लिए है, पंजाब के लिए एक पोस्ट है, और इसके लिए आपकी 25 से 40 इयर्स के दरमियान एज होनी है और पंजाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम की डिग्री हो आपकी इसमें, और 3 मंथ का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक हो गया। और ये आगे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, इसका पे स्केल 16 है, ये भी पंजाब के लिए एक पोस्ट है, और ऑल ओवर पाकिस्तान से आप पंजाब के रहायशी हैं तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 40 ईयर की एज में होनी चाहिए आपकी, और इसके लिए आपकी बीए की डिग्री होनी चाहिए और सेकंड डिवीजन से आपकी पास हो, और शॉर्ट आपकी शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड 15 इतनी होनी चाहिए, और एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में आपका, और एमएस वर्ड आपको यूज़ करना आता हो। आगे है, हाँ ये इसके लिए, ये अगर आप सिखिज़म कम्युनिटी के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 से लेकर 9 तक, ये सिखिज़म कम्युनिटी के लिए है, ये उनकी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आसानी से, ठीक हो गया। और आगे है ये केयर टेकर की, ये 7 पेज के लिए, इसका 5 पंजाब की सीटें हैं और 4 मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए, और इसमें 25 से 50 साल की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक हो गया। और आपका मिडल इसमें पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कोई आनी चाहिए वर्ड्स, तो इसमें नॉलेज, ये गुरुमुखी लैंग्वेज है उनकी एक, उसको उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट, फिर आप इसके लिए केयर टेकर के लिए कर सकते हैं। अगर आप सिखिज़म में नहीं हैं फिर भी, तो सिक्योरिटी गार्ड है, इसका पे स्केल 5 है, और ये सबसे बड़ी है, पंजाब में 30 पोस्ट हैं, 24 मेल के लिए हैं, 3 फीमेल के लिए हैं, और एक डिसेबल के लिए, एक माइनॉरिटी की सीट है, ठीक है। ये टोटल 30 पोस्ट आई हैं, और ये हैं पूरे पाकिस्तान से आप पंजाब के रहायशी इसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, अगर हाँ नारवल डिस्ट्रिक्ट है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इसमें। 25 से 50 साल की एज लिमिट है आप इसमें, मिडल पास होना चाहिए, हाइट अगर मेल अप्लाई कर रहा है
तो 5.7 इंच होनी चाहिए मेल के लिए, और चेस्ट 33 और 34 के दरमियान में होनी चाहिए, और हाइट उसकी फीमेल की 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए अगर फीमेल अप्लाई करेगी। फिर ड्राइवर की आ जाती है, ये भी इसका पे स्केल 5 है और 3 पंजाब की पोस्टें आई हैं, और ये नारवल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। 25 से 50 साल एज मांगी है उन्होंने। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, पर नारवल वालों को डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। मिडिल पास मांगा है, LTV लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ड्राइविंग में। फिर कुक, वेटर और ये है मसालची, और इसमें इसका पे स्केल 5 है। 15 पंजाब की सीटें हैं, पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 मेल की हैं, 2 फीमेल की हैं और 1 मिनॉरिटी की सीट है। और नारवल को, ये नारवल के नारवल ज़िले में है, करतारपुरा, इसलिए नारवल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। तो 25 से 50 साल ईयर है इसकी भी एज लिमिट, और मिडिल पास किया और एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक, वेटर और मसालची में आपका। इलेक्ट्रिशियन है आगे, इलेक्ट्रिशियन की पे स्केल 5 है, 2 सीटें हैं मेल के लिए हैं, वो भी पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 21 से 50 साल की एज होनी चाहिए। नारवल वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी सेम है। और मैट्रिक की हो बोर्ड पे किसी में से एक साल का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन कोर्स का किया हो, टेफ्टा बोर्ड, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ गया नैब का, इसकी पे स्केल 5 है, 5 सीटें हैं पंजाब में, वो 4 मेल के 1 फीमेल के लिए, और इसके लिए भी 25 से 50 साल की ईयर होनी चाहिए आपकी एज, और नारवल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। मिडिल पास होना चाहिए, फिज़िकल फिटनेस आपकी फिट होनी चाहिए। आगे है माली, पे स्केल 1 है इसका, 10 पोस्ट हैं, वो भी पंजाब के लिए, 8 मेल के लिए, 1 फीमेल के, 1 मिनॉरिटी की सीट है, और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब मतलब कि पंजाब की रहायशी, और 25 से 60 साल की आपकी एज होनी चाहिए। प्राइमरी किया हो किसी भी बोर्ड से, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। आगे है स्वीपर, स्वीपर की भी पे स्केल 1 है और 20 पोस्ट हैं, वो भी पंजाब के लिए, 17 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए, 1 मिनॉरिटी सीट है, और नारवल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। 18 से 60 साल के दरमियान एज होनी चाहिए, और परफॉर्म ड्यूटी एंड फिजिकल फिटनेस के बेस पे आपको एलिजिबल किया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर है, और ट्यूबवेल ऑपरेटर कोई हो उसका पे स्केल 1 है, पंजाब के मेल, 2 सीटें हैं मेल के लिए, और नारवल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। 18 से 60 साल की एज लिमिट है इसमें, और मिडिल पास किसी बोर्ड से, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ, और टोटल 126 पोस्ट हैं जो आई हैं, और इसकी 15 अगस्त लास्ट तारीख है जो आप जमा करा सकते हैं, और ये एड्रेस है जहां पर आपने सेंड करना। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म है इनका, आपने यहां से डाउनलोड भी कर लेना है। अगर मैं आपको फुल तफसील से बताता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट PMU, या यहाँ पर 1x1 की आपकी एक फ़ोटो पिक लगेगी, और वो भी टेस्टेड हो, और यहाँ पर आपकी नेम हो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है, और यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर CNSE नंबर खुद का, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर अपना अगर सेकंड है तो वो, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर ईमेल लिख लें, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो आपने मिडिल है, मैट्रिक है, FA है, BA है, जो भी है अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी है। यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी अगर कोई और है तो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में तो आपने यहाँ पर ऐड करना है, और डॉक्यूमेंट्स अटैच, इस फॉर्म को निकलवा के इसके साथ जो उनसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो CNSE की कॉपी है, एक मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, एनी अदर क्वालिफिकेशन, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आपने उसकी एक एक कॉपी साथ लगानी है। ये फॉर्म के ऊपर चीज़ें लिखी हैं, आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, और ये उनके यूज़ के लिए फॉर्म ये वाला ओनली, आपने इसको कुछ नहीं करना। ये रिटन टेस्ट होगा आपका 50 नंबर का, क्वालिफिकेशन आपकी 20 नंबर की ऐड होगी, एक्सपीरियंस आपका 10 नंबर का ऐड होगा, इंटरव्यू आपके 20 नंबर होंगे, टोटल नंबर हैं इसके 100, और ये उन्होंने फिल करना है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ये फॉर्म था, ये थी आज की वीडियो, आप हमें इजाज़त दें आज इसे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।